श्री कृष्ण कहते हैं, ऐसा सच जरूर बोलो जो कड़वा लगे, लेकिन ऐसा झूठ कभी नहीं बोलो जो सच्चा लगे। इंसान की सोच ही उसकी सबसे बड़ी पहचान है, वरना दुनिया में एक नाम के अनेक इंसान हैं। समय मनुष्य के निर्धारित मार्ग पर नहीं चलता, मनुष्य को समय के द्वारा निर्धारित किए गए मार्ग पर चलना पड़ता है, और यही तो नियति है। अच्छे समय से ज्यादा अच्छे इंसान से रिश्ता रखो। अच्छा इंसान अच्छा समय ला सकता है, परंतु अच्छा समय अच्छा इंसान नहीं ला सकता। ना दूर रहने से रिश्ते टूटते हैं और ना पास रहने से जुड़ जाते हैं। यह तो एहसास के पक्के धागे हैं जो याद करने से और मजबूत हो जाते हैं। कदर करो उस इंसान की जो तुम्हारे साथ है। कई जिंदगी में पत्थर इकट्ठा करते करते असली हीरे को ना गवा देना। श्रद्धा का मतलब है आत्मविश्वास, और आत्मविश्वास का मतलब है भगवान में विश्वास। आशा और विश्वास कभी गलत नहीं होते। जय हम पर निर्भर करता है, हमने आशा किससे की और विश्वास किस पर किया। याद रखिएगा, प्रार्थना शब्दों से नहीं हृदय से होती है, क्योंकि भगवान उनकी भी सुनते हैं जो बोल नहीं सकते। हमारी आस्था की परीक्षा तब होती है जब हम जो चाहें वह ना मिले, फिर भी हमारे दिल से प्रभु के लिए शुक्रिया ही निकले। जिंदगी में कितने भी दुख आ जाएं, कभी उनसे भागना मत, क्योंकि जितनी भी कोशिश कर लो मुसीबत आपका पीछा कभी नहीं छोड़ेगी। इसलिए मुसीबतों का डट कर सामना करो। ईश्वर हमारे कहने से ज़्यादा सुनता है, जितना हम पूछते हैं उससे ज़्यादा जवाब देता है, जितना हम कल्पना करते हैं उससे ज़्यादा अपने समय में और अपने तरीके से देता भी है। जब मेहनत करने के बाद भी सपने पूरे नहीं होते तो रास्ता बदलिए, सिद्धांत नहीं, क्योंकि पेड़ भी हमेशा पत्ते बदलता है, जड़ नहीं। जब धन कमाते हैं तो घर में चीजें आती हैं, लेकिन जब किसी का आशीर्वाद कमाते हैं तो धन के साथ खुशी, सेहत और प्यार भी आता है। यह पांच चीजें अभी से छोड़ दीजिए। दूसरों को खुश करना, दूसरों से उम्मीद करना, अपने भूतकाल में जिंदगी जीना, अपने आप को किसी से कम आंकना और ज्यादा सोचना, तभी आप अपनी जिंदगी बदल पाएंगे। धन से ही नहीं, मन से भी अमीर बने, क्योंकि मंदिरों में स्वर्ण कलश भले लगे हों, लेकिन नतमस्तक पत्थर की सीढ़ियों पर ही होना पड़ता है। आपका विश्वास एक पर्वत को भी हिला सकता है, परंतु आपका एक संदेह दूसरा पर्वत खड़ा भी कर सकता है। जब कल का दिन देखा ही नहीं तो आज का दिन क्यों खोए। जिस घड़ी में हंस सकते हैं उस घड़ी में कल के लिए क्यों रोए। अकेले रहने का मजा ही अलग है, ना किसी की जरूरत और ना किसी से उम्मीद। सफाई वहां देनी चाहिए जहां उसे सुनना और समझने वाला एक खुले दिमाग का हो। जो व्यक्ति आपके मन को काबू में कर सकता है वह जिंदगी में कुछ भी कर सकता है। मुश्किल के समय में धैर्य बनाए रखिए। जिस तरह रात के बाद सुबह होती है, उसी तरह दुख के बाद सुख भी प्राप्त होता है। समय ही एकमात्र चाबी है। अगर कोई मनुष्य हमारे साथ बुरा कर रहा है तो उसे करने दो, यह उसका कर्म है, और समय उसके कर्मों का फल उसे जरूर देगा। लेकिन हमें कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि यही हमारा धर्म है। श्री कृष्ण कहते हैं, क्षमा दुनिया का बहुत ही कीमती शब्द है।
लेकिन इस शब्द का कब कैसे इस्तेमाल करना चाहिए यह बहुत आवश्यक है। पहला, अगर आपसे कोई अपराध हो जाए तो तुरंत क्षमा मांगनी चाहिए। अगर आप क्षमा नहीं मांगते तो इसमें आपकी ही हानि है, क्योंकि क्षमा ना मांगने से मन के अंदर अहंकार जाता है और अहंकार तो हमारी हानि ही करता है। दूसरा, अगर कोई आपसे अपराध करे और आपसे क्षमा भी ना मांगे तो उसे क्षमा मत करिए, क्योंकि क्षमा अत्यंत अनमोल है और बिना मांगे किसी को क्षमा देना आवश्यक नहीं। तीसरा, यदि कोई आपके साथ अपराध करे, अनुचित करे और शब्द में क्षमा मांगी तो उसे क्षमा कर दीजिए। इससे आपके भीतर की करुणा जागेगी, प्रेम जागेगा और यह आपके लिए शुभ भी है। चौथा, अगर आप कोई अपराध कर दो तो क्षमा अवश्य मांगे। इससे आपका ही लाभ होगा, क्योंकि सामने वाला व्यक्ति आपको क्षमा करे या ना करे, आपके अंदर का अहंकार गिरता है और आपका मन अधिक निर्मल हो जाता है। गीता में साफ शब्दों में लिखा है, निराश मत होना, कमजोर तेरा वक्त है, तू नहीं। जीवन में कितना भी बुरा समय आए लेकिन हमेशा परिवार के साथ रहे, क्योंकि सुख आएगा तो बढ़ेगा और दुख आएगा तो बटेगा। जीवन में कभी मौका मिले तो किसी के लिए सारथी बनना, स्वार्थी नहीं। जैसे पानी को अगर दूध में मिलाया जाए तो वह दूध की तरह हो जाता है, पर यदि वही पानी अगर कीचड़ में मिलाई जाए तो कीचड़ बन जाता है। ठीक ऐसे ही मनुष्य के जीवन भी होता है। यदि एक गुणहीन व्यक्ति गुणवान की संगत में बैठे तो उसे भी गुणवान समझ लिया जाता है और सम्मान का पात्र समझा जाता है, पर यदि एक गुणवान व्यक्ति गुणहीन व्यक्तियों की संगत में बैठता है तो उसे तिरस्कार मिलता है। इसलिए अपने जीवन में संगति सोच समझकर सावधानी से बनाए। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। राधे राधे।